Hey friends, आज का वीडियो है टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपका दिमाग घुमा दे। नंबर 1, वेल पहले फैक्ट को पचाने के लिए आपको कुदरत का दिया हुआ एक सुपर पावर यूज करना पड़ेगा, इमेजिनेशन। किसी भी डेक ऑफ कार्ड्स को शफल करने की 52 फैक्टोरियल यूनिक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और 52 फैक्टोरियल मतलब, वेट अब इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इतनी बार डेक को शफल करने के लिए कितना टाइम लगता होगा? इमेजिन करो कि पृथ्वी पे दो पैसिफिक महासागर है, एक पानी से भरा हुआ, दूसरा खाली, और आप पृथ्वी के किसी भी एक इक्वेटर पे एक स्पॉट पे खड़े हो। एंड रिमेम्बर, हर एक सेकेंड में आप एक बार डेक शफल करोगे। और अब आपको पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाना है डेक शफल करते हुए। बट वेट, बहुत आराम से, 1 बिलियन साल में सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना है। और जब आप पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लोगे, उसके बाद पैसिफिक महासागर में से एक बूंद पानी लेकर खाली पैसिफिक महासागर में डालना है। हर बार ऐसा चक्कर लगाने के बाद एक बूंद पानी एक महासागर में से दूसरे में डालना है, तब तक जब तक कि पूरा पैसिफिक महासागर खाली ना हो जाए। एक महासागर के खाली हो जाने के बाद एक सिंगल पेपर को जमीन पे रखना है। और अब जिस प्रोसीजर से आपने पूरे ओशियन को खाली किया, उसी प्रोसीजर से उसे फिर से भरना है। जब भी कोई एक महासागर खाली होता है, तब दूसरा पेपर पहले वाले पेपर पर रखना है। ये प्रोसीजर तब तक करनी है जब तक कि पेपर का स्टैक पृथ्वी से लेकर सूर्य तक ना पहुंच जाए, मतलब 149597870.691 किलोमीटर लंबा पेपर का स्टैक। अब इतना बड़ा स्टैक हो जाने के बाद उसे गिरा दो। और जिस प्रोसीजर से ये स्टैक बनाया था, उसी प्रोसीजर से यही स्टैक 1000 बार बनाओ। अनफॉर्चुनेटली इतनी बार डेक को शफल करने के लिए जितना टाइम लगता है ना, अभी तो सिर्फ उसका 1/3 टाइम ही हुआ है। Yeah, so all the best. Number 2, the Guinness Book of World Record में इसी Guinness Book of World Record के लिए एक world record है कि ये book दुनिया में public library में से सबसे ज़्यादा चोरी हो जाने वाली book है। Number 3, जो भी इंसान अपने देश के लिए कुछ महान कर जाता है, उनमें से कई का स्टैच्यू घोड़े पर होता है। अगर स्टैच्यू में घोड़े के दोनों आगे वाले पैर हवा में है, तो उसका मतलब वो इंसान युद्ध में शहीद हुआ है। अगर घोड़े का सिर्फ एक पैर हवा में, तो मतलब उस इंसान की मृत्यु युद्ध में लगे हुए घाव की वजह से हुई है। और अगर घोड़े के चारों पैर जमीन पर है, तो उस इंसान की मृत्यु किसी नेचुरल कारणों से हुई है। ये रूल पहले के ट्रेडिशन में फॉलो किया जाता था, पर अब ये रूल ट्रेडिशन के साथ साथ वैनिश होता जा रहा है। नंबर 4, मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी, आज भी उनकी रिसर्च बुक रेडियो एक्टिव है। इसीलिए जो भी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट उन बुक्स को स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें पहले से वेवर साइन करना पड़ता है कि उस बुक को यूज करने के बाद अगर कोई हादसा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस वैज्ञानिक की होगी। नंबर 5, द हबल टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप कलर पिक्चर्स लेता है, राइट? रॉन्ग। हबल टेलीस्कोप ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा यूज करता है, पर साइंटिस्ट हर एक इमेज को 3 बार कैप्चर करते हैं, एक बार रेड लेंस लगाकर, एक बार ग्रीन और एक बार ब्लू लेंस लगाकर। फिर वो तीनों पिक्चर को कंबाइन करके एक कलरफुल पिक्चर बनाते हैं। नंबर 6, अगर हमें दोनों हाथ से 23 लिखने को बोला जाए एट द सेम टाइम, तो ये पॉसिबल हो सकता है। पर एक हाथ से 23 और दूसरे हाथ से 57 एट द सेम टाइम, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट? पर लियोनार्डो दा विंची एक हाथ से लिखते वक्त दूसरे हाथ से ड्रॉइंग करते थे, और वो भी एट द सेम टाइम। जीनियस, राइट? नंबर 7, जापान में किसी भी फोन का कैमरा शटर का साउंड म्यूट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फोन में ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जापान में गलत तरीके की फोटोग्राफी बहुत बढ़ चुकी थी। नंबर 8, फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस, ये फॉर्मूला ये प्रिडिक्ट करता है कि किसी भी इंसान की हैप्पीनेस कितनी फ्लक्चुएट होती है। जैसे कि अगर हमें कोई इनाम मिले तो खुशी कितनी बढ़ती है, और अगर कुछ लूट जाए तो खुशी का लेवल कितना डाउन होता है। ये फॉर्मूला लंदन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने बनाया है, और इस फॉर्मूला को उन्होंने 28,000 लोगों पर टेस्ट किया एक गेम खिलवाकर। एंड गेस, हर बार इस फॉर्मूला ने एक्यूरेट रिजल्ट दिया। अगर किसी को इस फॉर्मूला के पीछे का कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नंबर 9, किसी भी सिंगल पेपर की थिकनेस यानी कि जाड़ाई 0.05 mm से 0.1 mm होती है। अगर आप उस पेपर को 8 बार हाफ ऑफ करके फोल्ड करोगे, तो उस पेपर की जाड़ाई स्टील जितनी मजबूत हो जाएगी, मतलब आप उसे ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। पर अगर आपके पास लंबा पेपर और ज़्यादा एनर्जी है, और अगर आपने 23 बार फोल्ड कर दिया, तो उस पेपर की थिकनेस यानी कि जाड़ाई 1 किलोमीटर हो जाएगी। अगर 42 बार फोल्ड किया,
तो उसकी जड़ाई पृथ्वी से लेकर चांद तक का डिस्टेंस इतनी हो जाएगी, और अगर 103 बार फोल्ड कर दिया तो उसकी थिकनेस हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी ज्यादा हो जाएगी। नंबर 10, इस फैक्ट को पचाने के लिए भी आपको एक सुपर पावर का यूज करना पड़ेगा, और वो है शेयरिंग। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना, और आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर 2 से 3 दिन में ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग।